अस्सलाम वालेकुम, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। तो भाई 2 मिनट की वीडियो सुनिएगा जरूर। जनाब अली ग्रीन लाइन के लिए जो धमा चौकड़ी मचाई है कल नून लीग ने और आज तहरीक इंसाफ ने। जनाब अली, एक तो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, सही है, उसके ऊपर फीते काटने पे दोनों की दोनों पार्टियां एक नंबर हैं, एक नंबर। कल वो एहसन इकबाल पहुंचे जनाब अली, विफाक ने नवाज शरीफ दौर के अंदर ग्रीन लाइन मंसूबा 2016 में स्टार्ट किया, सही है, और वो चलता रहा। उसमें तौसी की गई जनाब अली कायदे आजम के मज़ार से, फिर वो कहा गया कि आगे नेटी एटी के पुल तक जाएगा, मगर वो नहीं जा पाया। कराची वालों का मंसूबा था ना, कैसे जा सकता, जहाँ था वहीं रुक गया। फिर जनाब अली हुकूमत आ गई इमरान खान साहब की, उस पर काम बिल्कुल ठप हो गया। आहिस्ता करके सरजानी से लेके जनाबे आली यूपी मोड़ तक उसके एक्सीलेटर की जितनी भी जालियां ये वो सब हीरोइनशी निकाल के ले गए जनाबे आली। कल पहुंचे एहसन इकबाल साहब के हम इफ्तिदा करेंगे और आज पहुंचे वजीर आजम। अब वजीर आजम से पूछा जाए कि ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है, 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर आपने दी 80 बसें, कितनी बसें, 80 बसें, और आज उसका फीता काट के जा रहे हैं, मगर चलेगी नहीं, चलेगी वो जनवरी के अंदर, अभी ट्रायल के ऊपर है। अच्छा, फिर बात मजे की ये है भाई, ग्रीन लाइन चली किधर, कराची के अंदर बनी, तो भाई इसके ड्राइवर भी कराची के रखते, मगर किसी को नहीं रखा। गिलगित बल्तिस्तान से लेके केपी के और बलूचिस्तान और पंजाब के सारे ड्राइवरों को यहां भर्ती किया गया, कराची का एक बंदा रखने को तैयार नहीं, ना टिकट चेक कर, ना जनाबे लिए जंक्शनों पे, और जितने भी यानी के वो स्टॉप बनाए हुए, किसी के ऊपर भी कोई कराची का रिहायशी रखा नहीं गया। अब पूछा जाए जनाबे अली ग्रीन लाइन कराची में और इनकी भर्तियां कराची से बाहर, तो सलूट है आपकी अजमत को, इस शहर के लोगों को बेरोजगार कर दो, इस शहर के लोगों को ना कुछ भी नहीं देना, ना पानी दो, ना गैस दो, ना बिजली दो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, गैस तो आ ही नहीं रही जनाबे अली, 11:30-12 बजे चली जाती है, उसके बाद जलीलो ख्वार हो रही है आवाम। अब जनाबे अली पूछा जाए, गद्दारी के सर्टिफिकेट भरपूर तरीके से हर पार्टी बेच रही है, भाई ये गद्दार, वो गद्दार, ये गद्दार, वो गद्दार, ये गद्दार, सही है, मगर काम करने को इस शहर में कोई तैयार नहीं, कोटा सिस्टम खत्म करने को कोई तैयार नहीं, फैसिलिटी देने को इस शहर को कोई तैयार नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो भी कराची को खा रहा है उसकी शक्ल पे लानत, बेशुमार लानत। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, इस वीडियो को आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।